एक आर्टिस्ट जो होता है उसका जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको उससे बहुत उम्मीदें होती हैं कि आ, कैसा होगा क्या होगा लेकिन जब शूट हो जाता है तब हमें उसका एक्सपीरियंस होने के बाद पता चलता है कि चीजें क्या निकली है तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुत प्यारा सॉन्ग है और अच्छा ही होगा अच्छे से पसंद आएगा लोगों को उम्मीद यही है और इस सॉन्ग के अंदर जो को एक्टर हैं वो नेहा गिरी है जो दिल्ली से हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर हैं उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और उन्होंने ऑलरेडी छः सात फिल्में कर रखी है मुझसे ज़्यादा काम कर रखा का है मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि एक प्रोफेशनल जो काम होता है एक ब्रांड के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया है और लोकेशन हमने जो शूट किया था इस गाने को हमने नैनी तल में शूट किया है बहुत खूबसूरत बातियों पर खूबसूरत लोकेशन पर हमने शूट किया है दिल्ली में भी हमने शूट किया है और यूपी में भी शूट किया है शूट बहुत प्यारा हुआ है तो आपने दिल्ली में भी शूट किया जी हाँ दिल्ली में भी कुछ सीन हमने शूट किए है अच्छा, तो आप हमें इस सॉन्ग के अंदर जो डायरेक्शन है वो हमारे साहनाबाज भाई ने डायरेक्ट सीनियर डायरेक्टर है उन्होंने ही डायरेक्शन किया है बहुत प्यारा डायरेक्शन है उनका और पहले भी काफी प्रोजेक्ट उनके ऑलरेडी मार्केट में है और उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया है अच्छे से सिखाया है कि काम कैसा होता है क्योंकि आप जब किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मुझे बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा हमने काफी इंजॉय भी किया है बताना के कौन। इस सॉन्ग के जो प्रोड्यूसर हैं वो शोकिन भाई हैं जो दिल्ली से हैं ऑलरेडी उन्होंने काफी प्रोजेक्ट किए हैं और उनका भी नेचर बहुत प्यारा है अच्छा लगता है उनके साथ काम करके कि वो स्लैग समझते हैं मुझे वो याद करते हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू तो है का जो पोस्टर है हम जल्द रिलीज करने वाले थे क्योंकि फेस्टिवल की वजह से हमने थोड़ा डिले कर दिया तो अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ शायद इसका पोस्टर फाइनली रिलीज होगा और पोस्ट प्रोडक्शन तो अभी चालू है सोंग की जो डेट है वो क्या है मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि सोंग का जो डेटा जिस कंपनी पे जाएगा जो कंपनी के हिसाब से जो डेट होगी उसी पे हम रिलीज करेंगे लेकिन इंशाल्लाह एक दो महीने में तैयारी फाइनल है एक्चुअली क्या है सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर सब बता दूंगा तो फिर गाने में क्या चीज़ें हैं वो कैसे अच्छा लग, लगेगा नहीं लगेगा ना क्योंकि लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गाना रोमांटिक है इसके अंदर जो लड़की है वो एक्साइटेड होती है मतलब अपने हस्बैंड से मिलने के लिए क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब सिचुएशन है स्टोरी टाइप है फाइनली वन लाइनर मैंने आपको बताया पूरी स्टोरी नहीं बता सकता जब आप सॉन्ग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सारी चीज़ें आपको उसमें ही देखने को मिलेंगी इस सॉन्ग के बाद मेरी एक फिल्म आ रही है आ, एजुकेशन द क्लरिक साउथ की फिल्म है इसके अंदर मैंने छोटा सा कैरेक्टर किया है कोई मैंने समथिंग दो तीन दिन का काम होगा और उसके बाद एक फिल्म आ रही है किस्मत कर्मा और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह एक दो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं बस फिलहाल तो यही आगे देखते हैं क्या होता है थैंक यू सो मच एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि न्यूज़ एंडनेट के माध्यम से जो लोग भी मुझे अभी देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देश की जो ऑडियंस है वो लोगों से बहुत प्यार करती है जो भी आर्टिस्ट होता है सबको कोऑपरेट करते आप किसी को भी स्टार बना देते हो हम तो मेहनत कर रहे हैं मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है तो आपका प्यार सदा ऐसे ही बना रहे अल्लामकम नमस्ते बाय सी यू